कंट्रोवर्सी की महारानी कंगना रनौत ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है और इस बार निशाने पर है फिल्म फेयर अवार्ड्स। जी हाँ, कंगना ने फिल्म फेयर अवार्ड्स पर काफी चौंका देने वाले आरोप लगाए हैं और ये भी बताया कि उन्हें अवार्ड क्यों नहीं दिया गया। एक इंटरव्यू में फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद और अनुपमा चोपड़ा से बात करते वक्त कंगना ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि वो अवार्ड शोज में हिस्सा क्यों नहीं लेती, कुछ ये जवाब दिया कंगना ने, मैं यूएस में थी स्क्रीन राइटर के कोर्स के लिए, जब मुझे फिल्म फेयर से 2014 में कॉल आया, उन्होंने कहा कि मुझे क्रिश 3 के लिए अवार्ड मिलने वाला था और सिर्फ एक दिन के लिए मुझे अवार्ड्स अटेंड करने आना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि मैं कोर्स में बिजी हूँ और मेरे आने जाने का खर्चा तकरीबन 10 लाख का होगा, इसके अलावा मैं अपने क्लासेस भी मिस करूँगी। मैंने उनसे कहा कि मुमकिन नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने ये तय किया कि बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड सुप्रिया पाठक को दिया जाएगा रामलीला के लिए। हालांकि कंगना की इन सारी बातों को फिल्मफेयर के चीफ जितेश पिल्ले ने खारिज कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं जानते कि कंगना सच बोल रही है या झूठ। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में डालें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।